पूरे जो भी डाटा टाइप है वो डाटा कितनी देर में, 2 मिनट का समय हुआ है अभी विंडो खोले हुए, और 2 मिनट में ये हमने कितने वर्ड टाइप किए, कितने करेक्टर विथआउट कर्वी स्पेस विथ स्पेस, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो करके ये बताएं। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्यूचर एसयूपी टेक्निकल पावर में, और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट बताने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पर। तो ये आप देख पा रहे हैं हमारे कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन है। वर्ड काउंट का सबसे पहले आपको यूज पता होना चाहिए। इसके अंतर्गत पेज नंबर, वर्ड्स नंबर, पैराग्राफ, लाइन, करेक्टर आदि को शो कराने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकल में मैं आपको करके दिखाऊंगा कि वो सारे ऑप्शन कैसे मतलब शो करेगा, कैसे कंप्यूटर बताएगा कि कितने वर्ड लिखे हुए हैं, कितने करेक्टर लिखे हुए हैं, करेक्टर विथ स्पेस कितने हैं, करेक्टर विथआउट स्पेस कितने हैं, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर काउंट करके बताता है। कैसे बताता है वो मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए पहले मैं अपने कंप्यूटर में कुछ टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैंने टाइप किया दिस इज ए बॉय, ये मैंने टाइप कर लिया। इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 वर्ड हैं। तो जब मैं टूल्स यहाँ पर आप वर्ड काउंट करने के लिए टूल्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, ये टूल्स का मेनू बार देख रहे हैं, इस टूल्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद वर्ड काउंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो आपने देखा वर्ड के सामने 4 वर्ड बता रहा है और इसके करेक्टर को बता रहा है कि 11 करेक्टर इसमें लिखे जा चुके हैं। आप इसको काउंट कर सकते हैं, इसमें 11 करेक्टर लिखे हुए हैं। और यदि स्पेस को जोड़ दिया जाए तो 3 बार इसमें मैंने स्पेस दिया हुआ है, तो 11 और 3 14 टोटल शो कर रहा है। मतलब विथ स्पेस और विथआउट स्पेस दोनों तरीके से ये वर्ड को काउंट करके बता रहा है। यदि आपको समय भी देखना हो तो उसका तरीका भी है। समय देखने के लिए आप ये फाइल वाले ये मेनू बार को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद में आप प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन को जब आप सिलेक्ट करके स्टैटिक्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइम बताएगा। ये टाइम वो टाइम होगा जब आपने विंडो खोली है और विंडो ओपन करके आपने यहाँ पर डाटा को टाइप किया हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी काउंट करे होंगे, जो भी डिटेल आप डाले होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जनरल में शो करेगा। ये समरी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, और स्टैटिक्स में आपको पूरे जो भी डाटा टाइप है वो डाटा कितनी देर में, 2 मिनट का समय हुआ है अभी विंडो खोले हुए, और 2 मिनट में ये हमने कितने वर्ड टाइप किए, कितने करेक्टर विथआउट कर्वी स्पेस विथ स्पेस, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो करके ये बताएगा। इस तरीके से आप वर्ड काउंट को देख सकते हैं। आगे भी मैं और वीडियो डालूंगा, लाइब्रा ऑफिस 2007 के वीडियो डालूंगा, पूरे उसमें वीडियो होंगे। जो भी ये प्रैक्टिकल में बताता हूँ वो प्रैक्टिकल उसमें कैसे किया जाएगा, लाइब्रा ऑफिस में कैसे किया जाएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल में बताऊँगा। तो यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके।